दोस्तों, दिल जब दुखता है, जब अगर कोई झूठ सरेआम झूठ बोला जाए और उस झूठ के पीछे हजारों स्टूडेंट्स आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लें। जी हाँ, आज हरियाणा में कुछ ऐसी हालत हो रही है। एक दो चैनल इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन नया झूठ बोलते हैं और बिना किसी प्रूफ के झूठ बोल देते हैं। कुछ लोग तो अखबार की कटिंग उठाकर झूठ बोल देते हैं कि अखबार की कटिंग में जो दिया है वो सच मान लो भैया। जबकि अखबार की कटिंग में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अखबार लिखने वाले को पता है कि कौन सी चीज़ मसाला है और कौन सी चीज़ मलाई। ठीक है, तो मलाई पर विश्वास करें, मसाले पर विश्वास ना करें। ऐसे हमारे एक चैनल है KTDT, उसने कुछ दिन पहले, देखिए पर्सनली किसी से कुछ नहीं है, मगर जब झूठ बोलता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि ये मेरे हरियाणा के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा भैया समय दो, ये पढ़ाई कर पाए, हाथ पैर ना कपाओ। यहाँ पर सभी स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं कह रहे हैं, सर इतनी जल्दी एग्जाम होगा क्या, इतनी जल्दी एग्जाम्स होगा क्या। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहे चैनल को साफ साफ दिखाना चाहता हूँ। ये KTDT चैनल है, जो उसकी कटिंग है, उसमें उसने लिखा है कि अखबार कह रहा है कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक संपन्न हो जाएंगे, और देखिए ऊपर क्या आगे लिखा है, सूत्रों के अनुसार, और नीचे देखिए बड़ी बड़ी में लिख दिया कि लो आ गई खुशखबरी, लो आ गई खुशखबरी। ये भैया खुशखबरी नहीं है, उनसे पूछो जिन्होंने स्टार्ट की तैयारी, उन्हें पूछो भैया कि उन पे क्या बीत रही है। ये तुम्हारे लिए पैसा कमाने का साधन हो सकता है यूट्यूब, मगर कम से कम उनकी भावनाओं की कद्र करो जो तुम्हारे चैनल को चला रहे हैं, जो तुम्हारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तुम नहीं है तुम्हारे बस की अगर सच्ची खबर निकल पाना, नहीं बता सकते तुम, नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम झूठ तो मत बोलो कि कब है एग्जाम। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक सारी लिखित परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। एक बात बताओ, 16 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम भरने की, ठीक है, अब सुचार दिन के अंदर कौन सा माई का लाल ऐसा है जो एडमिट कार्ड रिलीज करवा देगा। भैया एक महीना तो सेंटर सेंटर जाकर ये पता लगने में लग जाता है कि कौन कौन से सेंटर अलोकेट किए जाएं, कहाँ कहाँ पर प्रबंधन हो। और भैया पेपर भी तो छपेंगे, मान लिए पेपर छपवा लिए, जिस दिन भर्ती निकाली उस दिन पेपर छपवा लिए, सेंटर नहीं दोगे क्या, 4 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। ये चीज याद रखो कि इतनी जल्दी एग्जाम होना दोस्तों नहीं है पॉसिबल। किसी झूठ खबर पे आप विश्वास मत रखो, और अखबार वाले जो ये लिख देते हैं कि सूत्रों के अनुसार, याद रखना है सिर्फ सूत्रों के अनुसार जो वर्ड लगाया है ना, इसका मतलब है कि हम झूठ जो बोल रहे हैं उस पर हमने पर्दा डाल दिया है कि बाय द वे झूठ सही नहीं हुआ, तो कल को हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, मैं ये बात बोलना चाहूंगा बच्चों को कि देखो यार, ये जो ये लिख देते हैं ना, लो आ गई, ये बस आपको रिझाने के लिए लिखा जाता है। देखो उसने क्या किया है, इसने KTDT ने, लो आगे बड़ी खुशखबरी, बच्चे मेरे पास मैसेज किए जा रहे हैं कि सर पेपर आ गए, पेपर आ गए। मैं कहा भाई कहाँ से पेपर आ गए इतनी जल्दी, अभी तो फॉर्म की डेट एक्सटेंड करती जा रही है HSSC, इतनी जल्दी कहाँ से पेपर आ गए। बोला सर ये वीडियो डालिए, तो ठीक है मुझे बहुत गुस्सा आती है अंदर से कि ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। अरे भाई पढ़ाओ तुम, ठीक है देखो अच्छा है कि आप HSSC के नोटिफिकेशन डाल रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, कुछ भी करो ठीक है। पर मुझे गुस्सा तब आता है कि आप मतलब कुछ भी, मतलब कहीं से किसी ने लिख दिया है कि भाई 20 जुलाई से पेपर हो जाएंगे, उन्होंने साफ लिखा सूत्रों के मुताबिक। भाई उन्हें पता है कि जनता इस टाइम पे ऐसी न्यूज पढ़ेगी, बात समझ में आ रही है, जनता उन्हें पता है कि जनता को इस टाइम पे झूठ बोलेंगे लोग। पर भैया देखो इन फालतू की बातों पे कम ध्यान दो, ठीक है पेपर में ऐसा नहीं, एक दो दिन का काम नहीं होता है, जनता फॉर्म भरती है, बहुत सारी चीजें होती है ठीक है। हमारा कोई किसी से पर्सनली ये नहीं है कि, पर हमें गुस्सा आती है जब ये लोग, देखो हम पढ़ा रहे हैं यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं चैनल पे ठीक है, पर ये झूठी खबरें नहीं होनी चाहिए ठीक है। बिल्कुल सर, दुख जब होता है जब हम कोई सच्ची चीज बताते हैं उसे देखने के लिए स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, मगर कहीं पर झूठ हो तो उस उस पर पे एक आंखें बंद गर... करके हाँ इतना। और फिर यार एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, थोड़ा सोचो यार, इतनी जल्दी हो सकता है, आप खुद सोचो 13 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद फिर फीस भी और लेट है, इतनी जल्दी पेपर करा देगा, लग रहा है तुम्हें HSSC इतनी जल्दी पेपर करा देगा, तो भैया थोड़ा सब्र से रखो। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी तमाम चैनल हैं सुन लें, आज एक कान खुल कर सुन लें, जितने भी झूठ बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बहकाने की कोई कोशिश ना करें,
अगर वो स्टूडेंट्स उनसे कनेक्ट होते हैं तो किसी भरोसे के साथ होते हैं, उन्हें कम से कम झूठी खबर देकर उन्हें हड़बड़ाना। Exactly. अभी भी बहुत सारे यार देखो, हम लोग हम एजुकेशनल इंडस्ट्री हैं, ठीक है, हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, हम खबरें इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, हम खबर नहीं देते। तो स्टूडेंट्स आपको सही एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार बिलीव रखें, अगर एग्जाम की डेट आएंगी तो वो HSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी, ना कि किसी अखबार में आएंगी पहले, सिर्फ और सिर्फ HSC की। जिस दिन हम कब नोटिस लेकर आएंगे, उस दिन नोटिस लेकर आएंगे जिस दिन अखबार बोलेगा। कौन सा अखबार बोलेगा? जब HSC ने रिलीज कर दी होगी तब जब अखबार बोलेगा, और तभी बतानी चाहिए और सारे यूट्यूब चैनल्स को भी। ये क्यों बनानी है वीडियो, क्यों सूत्रों के मुताबिक बताना है? चलिए आज का ये मुद्दे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी की पर्सनली कोई भावनाएं किसी की इससे इफेक्ट होती है तो हम उसके लिए माफी भी मांगना चाहते हैं। कोई पर्सनली इसे ना ले, कोई भी यूट्यूब चैनल इसे पर्सनली ना ले। हमने कुछ यूट्यूब चैनल का नाम भी लिया है, उनसे हमारा कोई पर्सनली भेदभाव नहीं है, बस इस वीडियो को लेकर भेदभाव है, क्योंकि इसमें बच्चों को, जो हमारे बच्चे, उससे तकलीफ हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। यार देखो कुछ करो, अच्छा आप आगे बढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस नहीं अच्छा कर भी रहे हो आप, हाँ करते रहो, और बस इतना है कि ऐसी मतलब ये नहीं लोगों को रिझाने के लिए कुछ भी डालें, इतना नहीं होना चाहिए बस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं आपसे सच्ची खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।